बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम अगेन टू द केपीएस ऑनलाइन लेक्चर्स। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू हैव आवर लेक्चर नंबर 9 फॉर फर्स्ट ईयर क्लास, एंड इन दिस लेक्चर वी विल सी द पोइम द होलो मैन टीएस, रिटन बाय टीएस इलियट। स्टूडेंट्स, द होलो मैन, एज वी नो, होलो मीन्स खोखला, खाली, अंदर से खाली। तो इस पोइम का जो नाम है वो है द होलो मैन, मीन्स खोखले लोग। इन दिस पोइम द पोइट डिस्क्राइब्स द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, हाउ दे रिएक्ट, हाउ दे आर लीडिंग अ लाइफ दैट इज़ वेरी मच यूजलेस। दे आर पैरालाइज्ड नॉट ओनली फिजिकली बट आल्सो स्पिरिचुअली। They do not act upon the advice. They do not act upon the teachings that are very much essential for them as human being. This poem, that is a collective song, very beautifully shows the desperation of human beings. ये इंसान की मायूसी को ज़ाहर करती है कि वो किस तरह की बेमानी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो आज के दौर में, चूँकि ये दौर बहुत तरक्की याफ्ता है, लेकिन इसके बावजूद वो लोग अंदर से खोखले हैं। उनकी कोई भी खुशी जो है वो भरपूर नहीं है, उनकी ज़िंदगी में तवाज़ुन की बहुत ज़्यादा कमी है। दे आर लीडिंग एन इम्बैलेंस्ड लाइफ। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द पोइम। वी आर द होलो मैन, हम खोखले आदमी हैं। वी आर द स्टफ्ड मैन, हम भूस भरे आदमी हैं, यानी हमारा अंदर जो है वो खालीपन से भरा हुआ है। लीनिंग टुगेदर, हम इकट्ठे एक सहारे पर झूल रहे हैं, सहारा लिए हुए हैं। हेड पीस फील्ड विद स्ट्रॉस अलास, और हमारा जो सर है, हमारे जो दिमाग हैं, वो भूसे से, तिनकों से भरे हुए हैं, यानी वो बिल्कुल खाली हैं। हम सोचने समझने की सलाहियत जो है उसको खो चुके हैं, और हम में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि अब हम अपने सहारे पे खड़े हो सकें। हम एक दूसरे के सहारों पर इन्हिसार किए हुए हैं, और हमारी सोच जो है वो बिल्कुल बेमानी हो चुकी है। बावजूद इसके कि हम तरक्की याफ्ता दौर में जी रहे हैं, लेकिन हम अंदर से बहुत खाली लोग बन चुके हैं। आवर ट्राइट वॉइसिस व्हेन वी विस्पर टुगेदर, हमारी खोखली आवाज़ें जब हम इकट्ठे सरगोशियां करते हैं, यानी हमारी आवाज़ में कोई खुशी, कोई जोशो खरोश मौजूद नहीं होता। आर क्वाइट एंड मीनिंगलेस, हमारी आवाज़ें इस तरह हैं जैसे खामोश हों, यानी खामोश से मुराद है मीनिंगलेस और बेमानी, कोई उनमें एहसास नहीं, कोई जज्बा नहीं। एज विंड इन ड्राई ग्रास, ऑफ रेड्स फीट ओवर ब्रोकन ग्लास इन आवर ड्राई सेलर, यानी जैसे खुश्क घास पर हवा चले, या किसी टूटे हुए शीशे पर चूहों के पाँव पड़ जाएं, हमारे दिल जो हैं वो ऐसे ही खाली तह खाने की तरह हैं। यानी कोई भी चीज़ जो है वो मानी नहीं रखती, कोई भी चीज़ जो है उसमें एहसास, फीलिंग्स, इमोशंस जो हैं वो नहीं पाए जाते। हम जो हैं एहसास से आरी लोग बन चुके हैं। हमारे अंदर ये हाल है कि जैसे खुश्क घास पर हवा चल रही हो, या किसी टूटे हुए शीशे पर चूहे के पाँव पड़े, हमारे दिल भी इसी तरह तय खाने में तब्दील हो चुके हैं। देन द पोइट सेज, शेप विदाउट फॉर्म, शेड विदाउट कलर, यानी हमारी शक्लें जो हैं वो बेढंगी और बेरंग हो चुकी हैं, और हमारा साए जो हैं, हमारी शक्लें जो हैं वो हुसन और तवाज़ुन जो हैं वो खो चुकी हैं। पैरालाइज्ड फोर्स गेस्चर्स विदाउट मोशन, यानी हमारी ताकत जो है, हम ताकतवर तो हैं लेकिन
दर हकीकत हमसे कमज़ोर कोई नहीं, हम पैरालाइज्ड मफलूज ताकत के मालिक हैं, और हमारी जो हरकतें हैं, हमारे जो इशारे हैं, वो भी बेहरकत हैं। यानी हम हरकत तो करते हैं लेकिन फिर भी हम मूवमेंट से आरी लोग हैं। यानी सब कुछ करने के बावजूद ऐसा लगता है हमारे अंदर के खालीपन की वजह से कि हम बिल्कुल फारग लोग हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर बहुत खालीपन है। Those who have crossed with direct eyes to death's other kingdom, वो लोग जो मौत की वादी में कदम रख चुके हैं, जो इस लकीर को पार कर चुके हैं, remember us, वो हमें याद करते हैं। If at all not at lost violent souls but only as the hollow man the swift man, यानी अगर कभी हमें याद करें तो हम नहीं समझते कि इंतहाई शिद्दत पसंद हम समझे जाते हैं, यानी वो लोग जो हैं जो इस दुनिया से जा चुके हैं, अच्छी ज़िंदगी गुजार कर जा चुके हैं और वो मौत से खौफज़दा हुए बगैर मौत से मिले हैं। यानी वो ज़िंदगी की आंखों में आंखें डालकर जिए हैं और उन्होंने मौत को भी बहुत बहादुरी से कबूल किया है। और अगर कभी वो हमें याद करते होंगे, यानी वो लोग जो मर चुके हैं, ज़िंदगी गुजार कर जा चुके हैं, तो वो हमें खोखले लोगों के तौर पर, खाली लोगों के तौर पर याद करते होंगे। यानी वो लोग जिन्होंने बहादुरी से ज़िंदगी गुजारी, वो हमें देखकर, हमें याद करके यही सोचते होंगे कि हम किस कदर खाली, किस कदर अमल से आरी लोग हैं। यानी शायर जो है वो ये बताना चाहता है कि बेअमल होना जो है वो इतना बुरा नहीं है जितना कुछ करके भी बेअमल रहना। यानी किसी काम को ना करना इतना बुरा नहीं है जितना कि हम उसको करके भी यही तासुर हम में रहे कि हमने कुछ नहीं किया। मीन्स हम बहादुरी से ज़िंदगी को नहीं जी रहे। तो अगर हम ज़िंदगी को बहादुरी से नहीं जी रहे, इट मीन्स हम मौत से भी खौफज़दा ही रहेंगे। देन वी हैव सम लाइन्स अबाउट द पोइट थॉमस स्टेन्स इलियट। टी एस इलियट वॉज अ पोइट एंड क्रिटिक, यानी ये बहुत बड़ा एक शायर भी था और तनकीद निगार भी था। ही सेटल्ड इन ब्रिटेन, ही इज़ वेल नोन फॉर हिज ग्रेट पॉइंट्स सच एज द वेस्टलैंड एंड फोर क्वार्टेट्स। यानी इसकी ये द वेस्टलैंड एंड फोर क्वार्टेट्स जो हैं, ये बहुत अजीम नज़में हैं, बहुत बड़ा शाहकार हैं, मास्टरपीस हैं। ही ऑल्सो रोट प्लेज एंड कंट्रीब्यूटेड मैनी क्रिटिकल एसेज, यानी उसने बहुत से प्लेज़ भी लिखे हैं और तनकीदी जो मज़ामीन हैं वो भी उसने बहुत ज़्यादा लिखे हैं। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी द थीम। द थीम ऑफ द पोइम इज़ दैट ह्यूमन बीइंग्स हैव बिकम सोललेस। इसका थीम ये है कि इंसान जो हैं वो बेरूह बन चुके हैं, यानी उनकी रूह जो है वो अंदर से ख़त्म हो चुकी है। दे ट्राई टू डिपेंड अपॉन ईच अदर बट दे कैन नॉट मेक अ सोसाइटी, वो एक दूसरे का सहारा तो लेते हैं लेकिन मिलजुल कर नहीं रह सकते, एक मुआशरा नहीं बना सकते। ऑल देयर एफर्ट्स आर लाइक द रनिंग ऑफ रैट्स ऑन द रसलिंग ऑफ ग्रास, उनकी तमाम कोशिशें जो हैं वो चूहों की तरह हैं जो कि घास पर इधर उधर भागते फिर रहे हैं लेकिन करते कुछ भी नहीं। वी डू नॉट हैव शेप्स बट इन साइड देयर इज़ नथिंग, हम बेशकल लोग हो चुके हैं और हमारे अंदर कुछ भी बाकी नहीं बचा, यानी बहुत खोखलापन हम में मौजूद है। वी ओनली सीम टू बी वॉकिंग सोल्स बट एक्चुअली वी आर नॉट इवन दैट, ऐसा लगता है जैसे हम चलती फिरती रूहें हैं लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। हम इस काबिल भी नहीं हैं कि हम चलती फिरती रूहें ही बन सकें, उन्हीं की तरह चल भी सकें। यानी हम बहुत ज़्यादा खोखले लोग हो चुके हैं, हम एक दूसरे का सहारा लेना तो पसंद करते हैं लेकिन एक दूसरे के साथ मिलजुल कर नहीं रह सकते। सारा दिन हम इधर उधर फिरने के बावजूद भी कोई
काबिले तसल्ली बख्श जो काम है वो नहीं कर सकते। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज आवर लेक्चर फॉर टुडे। यू विल मेक नाउ क्वेश्चंस योर सेल्फ। थैंक यू सो मच।